इस वीडियो में बात करेंगे फेसबुक से डिलीट हुए मैसेज को रिकवर कैसे करें, कैसे देखें। अक्सर हम लोग अपने फेसबुक अकाउंट के जरिए काफी सारे पर्सन से कांटेक्ट करते हैं, उनसे बातें करते हैं, चैटिंग करते हैं, लेकिन जाने अनजाने में बाय मिस्टेक हमसे कुछ मैसेज डिलीट हो जाती है जिसकी हमें आगे जाकर के काफी ज्यादा सख्त जरूरत भी होती है, बट वह मैसेज डिलीट हो चुकी है। या फिर कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो हमसे बात तो करते हैं, चैटिंग करते हैं फेसबुक पर, बट उस मैसेज को डिलीट कर देते हैं उधर से ही, और कुछ इस तरीके का मैसेज आ जाता है, यू अनसेंट ए मैसेज। जैसा कि देखिए यहाँ पर मैं एक मैसेज सेंड करता हूँ, हेलो, ठीक है, और सेंड करता हूँ। सेंड करने के बाद मैसेज तो चला गया, बट इसको मैं डिलीट भी कर दूंगा, इस पर क्लिक करूंगा और यहां से रिमूव कर देता हूँ। ओके, रिमूव पर क्लिक करके अनसेंड फॉर एवरीवन इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है, और अनसेंड कर देना है। बस देखिए मैसेज डिलीट हो चुकी है। अब ऐसे में इस मैसेज को कैसे देखें, या फिर जो 2 साल 4 साल पहले मैसेज थे और डिलीट हो गए हैं, उस मैसेज को हम रिकवर कैसे करें, वापस कैसे लाएं? तो दोस्त अभी मैं आपको एक बेहतरीन तरीका बताऊंगा जिसके जरिए आप आसानी पूर्वक फेसबुक अकाउंट से डिलीट हुए मैसेज को वापस ला सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों फेसबुक अकाउंट से डिलीट हुए मैसेज को देखने के लिए, रिकवर करने के लिए आपको फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोफाइल पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए, एक ऑप्शन दिखेगा सेटिंग्स एंड प्राइवेसी, इस पर क्लिक करना है और सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, सबसे नीचे, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा योर इन्फॉर्मेशन का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन, सेकेंड नंबर ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो डाउनलोड प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन इन अकाउंट सेंटर, यहाँ पर आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का पेज आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट ए डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर अगर आपने कई तरह के प्रोफाइल बना रखे होंगे, अकाउंट बना रखे होंगे, जैसे कि फेसबुक पेज हो गया या फिर कोई नॉर्मल पेज है, फेसबुक अकाउंट है, तो उन सभी का डाटा अगर आप कलेक्ट करना चाहते हैं, मतलब मैसेज रीड करना चाहते हैं, तो आप सिंपल सारे ऑप्शन को इनेबल रहने दीजिए, अदरवाइज सिंपल अनटिक कर दीजिए कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके का पेज आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन दिखेंगे, कंप्लीट कॉपी और सेलेक्ट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर आप कंप्लीट कॉपी पर क्लिक करेंगे तो सारा डिटेल्स आपका आ जाएगा, आपने क्या चीजें पोस्ट की थी, कौन सा फोटो था, कितने वीडियो थे, कितना लाइक्स था, कौन कौन सा मैसेज था, सारा डिटेल्स आप देख पाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ मैसेज देखना चाहते हैं कि आपने किससे क्या क्या बातें किया था, कौन सा मैसेज डिलीट कर दिया गया, ठीक है ना, आज से 2 साल पहले वाला मैसेज क्या था, तो आप आसानी पूर्वक देख सकते हैं। सिंपल आपको करना क्या है, सेलेक्ट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहां पर अब आपको नीचे आना है। ओके, अब आपको क्या चाहिए, मैसेज चाहिए, यानी कि आप मैसेज देखना चाहते हैं तो सिंपल मैसेज को सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद पोस्ट देखना चाहते हैं, पोस्ट को भी सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं, प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन को भी सिलेक्ट कीजिए। मतलब कि जो भी कुछ आप देखना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट कर लीजिए, लेकिन आपको चाहिए सिर्फ मैसेज तो आप मैसेज को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए सारा डिटेल्स जब आप सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पर देखिए अब आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ पर भी आपको सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि आपने दो अकाउंट सेलेक्ट किया था। अगर आपने सिंगल अकाउंट सेलेक्ट किया होगा तो फिर आपको ये पेज नहीं आएगा, लेकिन अगर आप दो अकाउंट, जैसे कि आप फेसबुक का पेज भी सिलेक्ट किए थे और नॉर्मल फेसबुक अकाउंट को भी सिलेक्ट किए थे, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से पेज आ जाएगा, आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब देखिए यहाँ पर आपको इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ पर अब आपको करना क्या है, इसी ईमेल आईडी पर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, ये ईमेल आईडी आपके डिवाइस में लॉगिन होना चाहिए। ओके, तो अब आपको करना क्या है, सिंपल सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस प्रोसेस को करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो है रिक्वेस्ट सबमिट हो चुकी है। ओके, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर व्हेन योर फाइल इज रेडी यू विल हैव 4 डेज टू डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस पेज। अब आपका रिक्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 14 तारीख 2023 रिक्वेस्टेड दिसंबर। अब आप थोड़ा सा वेट कीजिए, आपके ईमेल आईडी पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा, या फिर यहीं पर आप 2 दिनों के अंदर वेट कीजिए तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा डाउनलोड करने का। मैं आपको स्क्रीन शॉट के माध्यम से समझा देता हूँ। तो देखिए जैसे ही आप रिक्वेस्ट करेंगे डाउनलोड करने के लिए, तो यहाँ पर जब आपका फाइल रेडी हो जाएगा तो इस पेज पर आकर के देखिएगा सेम प्रोसेस करके, तो यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा आपका फाइल रेडी हो चुका है और अब आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये भी बताया जाएगा कि आपका जो फाइल है इतने दिनों में एक्सपायर हो जाएगा, अगर आप डाउनलोड नहीं करेंगे तो फिर बाद में आप डाउनलोड कर भी नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो सिंपल आपको करना क्या है, यहाँ पर डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर पूछा जाएगा आप किस माध्यम से इस फाइल को ओपन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर फाइल मैनेजर को सिलेक्ट कर लीजिएगा।
उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में दो ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको इंडेक्स HTML दिखेगा और मैसेजेस दिखेगा, तो आपको मैसेजेस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे में आपको एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर योर मैसेजेस, और ऊपर में आपको सबसे ऊपर एक ऑप्शन दिखेगा इनबॉक्स का, इनबॉक्स वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इस तरीके से पेज आएगा, यहाँ पर आपको मैसेज HTML का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में पूछा जाएगा आप इस मैसेज को कैसे देखना चाहते हैं, काइनमास्टर के थ्रू, क्रोम के थ्रू, HTML के थ्रू, जैसे भी हो आप उस पर क्लिक कीजिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप HTML व्यूअर पर क्लिक कर दीजिए, ये वाला ऑप्शन। उसके बाद देखिए आपका सारा डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा। ओके, आपने इस पर्सन से क्या क्या बातें की है, कितनी देर बातें की है, कब बातें की है, सारा डिटेल्स आपका सारा टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा, चाहे 2 साल पुराना हो, 5 साल पुराना टेक्स्ट मैसेज हो, या फिर 2 दिन पुराना ही क्यों ना हो, यानी कि अगर 5 साल पहले डिलीट हो गया हो, 2 दिन पहले डिलीट हुआ हो, या फिर 2 साल पहले डिलीट हो गया हो टेक्स्ट मैसेज, उस सारा मैसेज यहाँ पर आपको दिख जाएगा। आपने क्या मैसेज शेयर किया था और उन्होंने आपको क्या मैसेज सेंड किया था, सारा डिटेल्स, सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग फेसबुक से डिलीट हुए मैसेज को आसानी पूर्वक रिकवर कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं। सो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आप इसी तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिए।